So, दोस्तों हम लोग के साथ में आज सोहेल शेख जुड़े हैं सोहेल शेख मुर्शिदाबाद के नया ग्राम के रहने वाले हैं ठीक बोला मैंने सोहेल यस सर ओके सो दोस्तों हम लोगों ने आ, सोहेल का कम्प्लेन वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था और आज मैं पहली बार आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं सोहेल को सो आ, ये सक्सेस वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि केस सक्सेसफुली रिजोल्व हो गया है कम्पलेन वीडियो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे सो आज हम लोग के पास में लेटर है

Uh, बाकी सारी डिटेल्स वो बताएंगे कि कहाँ पढ़ते हैं वगैरह वो सारा सब कुछ वो बताएंगे सो so, इनके साथ चीटिंग हुआ था सो so, सोहेल कौन सी कंपनी में चीटिंग हुआ था सर एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस और ये एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी बनी थी बनी कहाँ थी सर बैंक में ही बनी थी एस बी आई में बैंक में एस बी आई बैंक की कौन सी ब्रांच में बनी थी सोहेल सर ब्रांच सर उमरपुर उमरपुर ब्रांच ठीक बात है सो फ्रेंड्स ये ओमरपुर ब्रांच का केस है एसबीआई बैंक ने एसबीआई लाइफ की पॉलिसी बेची थी सोहेल आपकी उम्र कितनी है सर ट्वेंटी टू और जब पॉलिसी करवाई थी तब आप कितने साल के थे सर ट्वेंटी वन एक साल हुआ एक साल हो गया तो इक्कीस साल के थे और ये अमाउंट कितना था सोहेल सर बावन ह गुड इनफ अच्छा दिस थिंग ये क्या बोल के लिया गया था आपसे सोहेल थोड़ा सा वो बताएंगे सर बोल रहा था कि ये आपका करने के गया था. तो मैंने पचास पचास हजार नहीं होता है ये आप कर दीजिए फिक्स डिपोजिट जैसा ही है इसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है ये सर बोलकर सर मुझे कुछ नहीं बोला कि हर साल आपको ये पैसा देना पड़ेगा वगैरह कुछ नहीं बोला था बस मुझे सर एक करवा दिया वो लोग ओके okay. और आपको पता कब लगा कि आपके साथ चीटिंग हुई है पता सर एक साल बाद सर जब दोनों फोन कर रहे कि आपका दूसरा प्रीमियम जमा करो उस टाइम सर पता लगा ओके okay. फिर आपने क्या किया सीधा आपने हमको कांटेक्ट किया या पहले आप बैंक गए बात करने के लिए हाँ सर मैंने बैंक गया तो बैंक में मुझे बोला कि ये कुछ नहीं हो सकता आपको सब टर्म एंड कंडीशन बोला गया था आप जानकर ही सब कुछ यहाँ पर किए गए थे वो सर मुझे कुछ नहीं हेल्प किया वो बोला कि सर आप जो कुछ करना है आपको करो ये नहीं होगा ये बोल रहा है था सर ओके okay. और फिर आपने हमसे कैसे कांटेक्ट किया कांटेक्ट सर मैं बहुत सर उठा हुआ था को इंटरनेट में सर्च किया वगैरह एस बी लाइफ इंश्योर फ्रॉड वगैरह तो आपका वीडियो आया है सर उसने सर देखा हो सर आपका सक्सेस वीडियो इसलिए सर आपका आपने सर कॉल किया आपको ग्रेट और अभी तक कोई दिक्कत आई लाइक अब केस सॉल्व हो गया अब आपके पास लेटर आ गया हम लोग लेटर भी दिखाते हैं अपना जो हम लोग के मेंबर्स हैं जो हम लोग के हैं उनको हम लोग लेटर भी दिखाएंगे आपका पर अब लेटर आ गया आप खुश हो आप कोई दिक्कत आई इस पूरे प्रोसेस में जब से आपने हमें कॉन्टेक्ट किया और लेटर आने तक कहीं कोई दिक्कत नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर सब कुछ आप संभालिए आप सब सब कुछ सर आप संभालिए थैंक यू थैंक यू सुहेल मैं एक बार आपका लेटर शेयर कर लेता हूँ सो so, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यस yes, मैंने आपका अप्रूवल लेटर ही खोल रखा था सोहेल सो yeah. so, दोस्तों ये आ, लेटर आया है सोहेल के पास में हम लोगों ने जो उनकी पर्सनल डिटेल्स है जैसे उनके फादर का नाम उनके गांव वगैरह का नाम वो हम लोगों ने हाइड किया है और उनके जो पॉलिसी नंबर्स वगैरह हैं वो हम लोगों ने हाइड किए हैं सो so, uh, 29 जनवरी को ये लेटर इशू हुआ था हम लोगों को आज हम लोग को मिला है बट ये लेटर उनतीस जनवरी को इशू हो चुका है और लेटर में लिखा है दिस इज फ्रॉम एसबीआई लाइफ ओके और लेटर में क्लियरली लिखा है कि उपयुक्त नीति के संबंध में यानी कि ऊपर जो पॉलिसी है उसके संबंध में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष को संबोधित आपकी ईमेल दिनांक सत्रह जनवरी तो हम लोगों ने जो फर्स्ट कंप्लेन हम लोगों ने लॉन्च किया था सुहल के केस में सत्रह जनवरी को हम लोगों ने लॉन्च किया था हालांकि हालाँकि और में टच थे हम लोग दिसंबर दो से हम लोग का बात चल रहा था तो जनवरी में मैं इनका केस डाल पाया थोड़ा सा मैं बिजी था मेरी तरफ से लेट था सो uh, so, सत्रह जनवरी को हम लोगों ने केस पोस्ट किया और उसके बाद में कंपनी तारीख को कंपनी ने लिख के भेजा है कि इस संबंध में हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि मामले के तथ्यों की समीक्षा करने पर पॉलिसी को रद्द करने और पॉलिसी के तहत लागू ब्याज के साथ प्रीमियम वापस करने का निर्णय लिया गया है सोहेल आपको प्रीमियम नहीं प्रीमियम के साथ में इंटरेस्ट uh, भी दिया जाएगा ब्याज भी दिया जाएगा ओके okay. कैलकुलेशन yes. uh, कैसे क्या रहता है वो मैं आपको बाद में बता पाऊंगा करीब सवा आठ परसेंट के हिसाब से या किसी किसी पॉलिसी में सवा छह परसेंट के हिसाब से ये लोग गिनते हैं सो so, ये इन लोग का प्रोसेस रहता है इंटरनल प्रोसेस है पर हाँ अपने को पैसा जो है वो विथ इंटरेस्ट प्राप्त होगा तो अपने जो जमा करवाया था उससे ज्यादा पैसा अपने को मिलेगा और सुहेल से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं Uh, उनका ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट और एक फॉर्म है वो भर के उनको देना है अपने आईडी प्रूफ और पैन कार्ड के साथ में और जिस खाते में पैसा मंगवाना है उस खाते का उनको कैंसिल चेक देना है उसके बाद में सुहेल का पैसा उनके पास आ जाएगा सुहेल ठीक कह रहा हूं हाँ सर ओके okay. uh, सुहेल एक चीज मेरे को और बताओ इस पूरे प्रोसेस में uh, आपने मतलब हम लोगों ने जांच किया था कि uh, आप एक स्टूडेंट हो तो आप कहाँ पढ़ते हो आप मैं सर पढ़ाई सर मेरा हो गया था सर वो मैं डोंकल में सर बीबीए कर रहा था उसके इक बाद इक सर मैं कुछ महीने पहले सर एक स्किल ट्रेनिंग कर रहा था सर का में ओके तो यानी कि 2021 में जब ये पॉलिसी हुई थी तब आपकी ऑलमोस्ट पढ़ाई खत्म हो चुकी थी उसके बाद में आप लोगों ने आपने सार, कोई ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम शायद आपने बताया था कि ट्रेनिंग कोई कर रहे हैं आप तो ट्रेनिंग कहाँ पे कर रहे हैं आप सुहेल सर का में सर का फरक का ओके और वहां पे क्या सीख रहे हो दोस्त वो सर जो रेफ्रिजरेटर एसी का रिपेयरिंग का काम बहुत बढ़िया ये जो पैसा आएगा इसको कहाँ यूज करोगे ये सर पैसा सर वो मेरा कुछ लाइफ में सर सेटल होने के लिए सर कुछ करना पड़ेगा ठीक है इसको अच्छे से यूज करना सोहेल और कुछ कहना चाहते हो हमारे मेंबर्स को हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहते हो ये सर कहना चाहता हूँ सर मैं इंश्योरेंस एंजल को सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर मेरा केस सॉल्व करके दिया है सर थैंक यू थैंक यू और दूसरे लोग अगर कोई परेशान हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यस सर बिना कोई टेंशन सर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर थैंक यू थैंक यू सुहेल आपने मुझ पे भरोसा किया आप मुर्शिदाबाद बैठे हो मैं उदयपुर राजस्थान बैठा हूँ

तो अगर आप आना चाहो तो मोस्ट वेलकम लाइक मुझे बहुत अच्छा होगा अच्छा लगेगा आपको मेरी टीम में शामिल करके और ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट सोहेल अच्छे से पैसे को यूज़ करना uh, आगे बढ़ना खूब खूब तरक्की करना थैंक यू थैंक यू सोहेल थैंक यू सर